देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको बता रहे हैं महाराज जी के अनन्य भक्त हो पंडित होत दत्त शर्मा के बारे में। होत दत्त शर्मा 1970 के वर्ष में महाराज जी के दर्शन करने, और जब वो दर्शन करने जाया करते थे तो 10-5 दिन 15 दिन महीने भर वहां रहते थे, महाराज जी की सेवा करते थे, आश्रम के काम धाम में अपना भाई पंडित जी थे, वेदों का उपनिषदों का बड़ा ज्ञान था, उन्हें अध्यापक भी थे। ये सब चीजें जो उपनिषद में कहां पर क्या है कि कैसे क्या है, तो उनको अन्य भक्त और लोग जो मिलते थे उन्हें विद्वान की श्रेणी में रखते थे। महाराज जी तो कभी कभी टाल में भी कुछ कह देते थे, तो महाराज जी तो सबको कह देते थे कुछ ना कुछ। एक दिन होत दत्त शर्मा ने, आप चित्र देख रहे हैं जिनका, इन्होंने कहा कि महाराज जी ये सब ज्ञान जो है ना वो सब लाइब्रेरी का ज्ञान है, पुस्तकालय का ज्ञान है, हमें कुछ ऐसा ज्ञान दो, ऐसी कृपा करो जो हमारे जीवन से, जीवन का जो है भवसागर है ना, इससे पार हो जाए। महाराज जी हंसे और महाराज जी बोले, अच्छा ये बता इस वेद में क्या लिखा है। अब ज्ञानी थे शर्मा जी, तो शर्मा जी ने बताया कि साहब इस वेद में आया ये लिखा है। अच्छा इस उपनिषद में क्या लिखा है, शर्मा जी ने एक इंटरव्यू चालू हो गया, सब चीज बताई। तब महाराज जी ने कहा कि पंडित कुछ ज्ञान अर्जन करना है, तेरे को कुछ ज्ञान अर्जन करना है, तू राम राम लिखा कर। क्या बताया, राम राम लिखा कर। जो दिन में रामचरित मानस पढ़ते थे, कोई वेद पढ़ते थे, कहीं कुछ जो धर्म से संबंधित पुस्तकें होती थी उनका पाठ जरूर करते थे। और जिस दिन महाराज जी ने यह कह दिया कि राम राम लिखा कर, पंडित हो दत्त शर्मा ने सारे उपनिषद वेद जितनी पुस्तकालय थी सब की किताबें रख दी और बस राम राम लिखने में लग गई। ये वर्ष 1970 की बात है। बच्चों ने पूछा, ये उनके पुत्र की एक फोटो है, इनका नाम संजीव शर्मा जी है, ने पूछा कि पापा आप रामचरित मानस का पाठ करवाते थे घर में रोज गया था, अब ये नहीं करते। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कह दिया है कि राम राम लिखा करो, इसी से भवसागर पार हो जाएगा। संजीव शर्मा ने कहा कि पापा ऐसा नहीं आप तो फिर पंडित ओदत्त शर्मा ने बताया कि बेटा तर्क और वितर्क करने से कोई फायदा नहीं, हमारे पास ये ज्ञान है, हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम बातें करते हैं, हम अपने ज्ञान से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते संसार की भवसागर से पार हो जाए, और वो मंत्र है राम राम। संजीव जी या परिवार के और सदस्य भी इस बात से सहमत हुए और फिर उनसे कभी ये नहीं कहा कि पापा ये करते रहो, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक घमंड होता है, मैं विद्वान हूं, मेरे पास ये है, और ये जब तक नहीं त्यागा जाता तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। पंडित होदत्त शर्मा ने अपने बेटे अपने परिजनों से कहा कि उड़िया बाबा दंडी स्वामी थे,
एक प्रसंग सुनाया, वही मैं आज आपको सुना रहा हूं कि उड़िया बाबा दंडी स्वामी थे और उन्होंने उस दंड को लेके लेके जाते थे तो बताते थे भाई, बताते क्या एक अलग से, मतलब 50 संत बैठे उनके पास दंड है और दंडी स्वामी को और श्रेष्ठ माना जाता है, उनको लगता है कि हम सब अलग हैं, मेरी अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मेरा प्रोटोकॉल अलग मिलना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। उड़िया बाबा को लगा कि ये सब चीजें हमको एक घमंड दे रही हैं, है ना, अहम को संतुष्ट कर रही हैं, अहम है मेरे पास। उड़िया बाबा ने तत्काल दंड त्याग दिया, हमें नहीं अलग अलग से दिखना है, हमें अपने अहम को पालना नहीं है, मैं जिस चीज को लेके चलता हूं उससे वो मुझे अपने से अलग करती है तो हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे, है ना। उनके दिमाग में ही आया और मैं दंड त्याग दिया। दंडी स्वामी बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बताते हैं संत समाज में, क्योंकि उन्हें त्यागा क्यों, क्यों उन्हें अहम त्याग। तो मित्रों, आपको महाराज जी की प्राप्ति करनी है, आपको इस भवसागर से पार होना है, आपको संसार के जो कष्टों में कष्ट आते ना उनसे मुक्ति पानी है, तो राम राम जपिए और अहम रूपी जो एक हम में बुराई है उसको त्याग दीजिए। सुनिए पंडित होदत्त शर्मा के पुत्र का ऑडियो है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा सा सुनवाता जी। एक दिन पिताजी झल्ला के कहा कि बाबा ये तो सुस्त ज्ञान है पुस्तकालय का, कुछ अनुभव दीजिए ना इससे क्या है। अच्छा तो पंडित उस शास्त्र में क्या लिखा है, तो योग वशिष्ठ में क्या लिखा है, तो हमको बताओ, हमको बताओ, हमको बताओ। शायद पिताजी के अंदर, पिताजी का स्पेशलाइजेशन व्याकरण में था जी, तो कहीं कोई भाव रहा होगा कि मैं योग के पंडित हूँ, व्याकरण में पकड़ है, तो जिद की, तो पिताजी पंडित तुम राम नाम लिखा करो बस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे